22 अक्टूबर 2021 को जो 12वीं क्लास का फर्स्ट टर्म का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है। इस वीडियो में हम इसकी आपको आंसर की प्रोवाइड कराने वाले हैं और जो आंसर हैं बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट हैं। तो एक एक करके आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको ये पैसे दिया गया है, इसको पढ़ करके इसको उत्तर बताने हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर होगा बी, दूसरे का उत्तर होगा बी, तीसरे का उत्तर है डी, चौथा जो प्रश्न है चौथे का उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न का उत्तर है सी, सी इसका सही उत्तर है। और छठे का उत्तर होगा सी, सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें का उत्तर होगा सी। इसके बाद आठवां है, आठवां प्रश्न है, आठवें का उत्तर होगा ए। आठवें के बाद नौवां प्रश्न है, नौवें का उत्तर होगा बी। इसके बाद दसवां है, दसवें का है डी। इसके बाद ग्यारहवां है, ग्यारहवें का उत्तर है सी। इसके बाद बारहवां है, बारहवें का उत्तर है बी। इसके बाद तेरहवां है, तेरहवें का उत्तर होगा बी। तेरहवें का उत्तर है बी। इसके बाद चौदहवां प्रश्न है, चौदहवें का उत्तर होगा सी। चौदहवें के बाद है पंद्रहवां, पंद्रहवें का सही उत्तर है आपका बी। इसके बाद सोलहवां प्रश्न है, सोलहवें का उत्तर है बी। इसके बाद है सत्रहवां, सत्रहवें का उत्तर है बी, बीस का सही उत्तर है अठारहवां, अठारहवें का सही उत्तर होगा डी। इसके बाद उन्नीसवां, उन्नीस का है बी, उन्नीस के बाद है बीस, बीस का उत्तर होगा डी। इसके बाद इक्कीसवां प्रश्न, इक्कीस का उत्तर होगा सी, इक्कीस का सही उत्तर है सी। इसके बाद है 22, 22 का उत्तर है सी। इसके बाद 23, 23 का उत्तर होगा ए। 24 का भी ए। इसके बाद 25वां है, 25 का सही उत्तर होगा आपका ए। 26 का उत्तर है आपका ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न, 27 का उत्तर होगा ए। इसके बाद है 28, 28वें प्रश्न का उत्तर होगा डी। इसके बाद 29, 29 का होगा ए। 30, 30 का उत्तर है ए। 30 के बाद है 31, 31 का उत्तर होगा आपका बी। इसके बाद है 32, 32 का उत्तर है सी। इसके बाद 33, 33 का उत्तर है डी। 34 का बी, 35 बी, 36 सी, 37 ए, 37 का उत्तर होगा ए। इसके बाद है 38, 38 का उत्तर होगा सी।
39 का डी, इसके बाद 40, 40 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 41 का बी। देखिए जितने भी भविष्य में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं, या प्रेजेंट में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और या भविष्य में आने वाले, भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो कुछ पेपर हैं उनके आपको एक्सप्लेन भी किए जाएंगे। तो अगर आप उनके आंसर और सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद है 42वां प्रश्न, 42 का उत्तर होगा ए, 42 के बाद 43, 43 का उत्तर है बी, 44 का उत्तर है ए, 45 का उत्तर होगा ए, 46 का सी, 47 का बी, 48, 48 का सही उत्तर होगा आपका डी, 49 डी, 50 ए, 51 सी, 52 सी, 53 का उत्तर होगा आपका डी, 54 ए, 55 सी, 56 बी, 57 बी, 58 सी, 59 सी, 60 ए, 61 बी, 62 बी। तो इस इंग्लिश के पेपर में आपको टोटल 62 प्रश्न ही पूछे गए थे। पेपर थोड़ा लेंथी था, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसको आसानी से इजीली कर सकते हो। और मैं आपको फिर से बता दूं, भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल सटीक। आप अगर उनके आंसर के आंसर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ सकते हैं।